अभी 11:30 आधे घंटे बाद अपन देखेंगे। धमाकेदार मतलब धमाकेदार नहीं कह सकती मैं, फटाकेदार वाला प्रैंक है क्योंकि कौस्तुम को आज मैं पागल करने वाली हूँ। वो आज एबनॉर्मल हो जाएगा, सर पकड़ के बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये प्रैंक ऐसा उसने सोचा ही नहीं होगा कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूँगी। आज मैंने उसको बोला है कि आज मैं तेरा स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, डैंड्रफ बहुत हो गया है, विंटर है, ध्यान तो रखते नहीं है लड़के, तो सब आपको ही करना पड़ता है। तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाली हूँ। मैंने उसे कहा है कि मैं तेरे बालों में लगाने वाली हूँ मेहंदी, और एक मेरे पास लोशन है जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे दिया था पूना में, वो डैंड्रफ के लिए है, वो स्प्रे टाइप है, तो वो तेरे को ऐसे झाग देगा और उसके ऊपर मेहंदी लगा लेगी तो तेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर मैंने सब झूठ कहा था क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। Oh, no. मेरे पास एक हेयर कलर है तो बस वो मैं उस पर अप्लाई करने वाली हूँ, और उसके बाद ये जो मेहंदी है वो मैं उसके बालों में नहीं उसके फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। क्या बोला तूने? इनकेस अगर मेरा हेयर कलर काम नहीं करता, क्योंकि मैं पहली बार लाई हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो कैसे काम करेगा, तो मैंने उसके लिए एक और रिएक्शन सोच के रखा है। ये कौस्तुभ की अभी तक की फेवरेट शैम्पू की बॉटल है, इस पर मैंने उसका जो गोस्ट पैंक लाया हुआ कलर था ब्लड वाला वो इसमें डाल चुकी हूँ, इसका अच्छा अच्छा थिक शैम्पू टाइप बना दिया है। बस ये सब उसे अप्लाई करना है और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसके रिएक्शन देखना है। तो बस गाइस हम इसी तरह उसके मज़े लेंगे। उसके लिए मैंने फेस मास्क ला के रखा है ताकि उसे कहीं पर भी डाउट नहीं हो, हम सब चीज़ें ला के रखी है, और उसे लग रहा है आज तो उसकी स्किन ग्लो करने वाली है, और ऑब्वियसली ग्लो करेगी मेरे प्यार कैसे से कैसे मुझे इतनी रात भर नींद नहीं आई गाइस यही सोच सोच के कि उसके रिएक्शन कितने अमेजिंग होंगे जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ ये होने वाला है। तो बस अब हम कौस्तुब के आने का वेट करते हैं, वो जैसे ही मार्केट से आ जाए हम सेटअप शुरू कर देंगे और प्रैंक स्टार्ट कर देंगे। और अगर ये पूरा प्रैंक इस वीडियो में नहीं आया तो हम व्लॉग चैनल पर वो वीडियो आज ही डाल देंगे, तो प्लीज़ आप दोनों चैनल पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे जो बाकी चैनल है उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो गाइस, मज़ेदार मज़ेदार रील्स और कंटेंट अभी आने वाला है, तो स्टे ट्यून विद अस। और चलिए प्रैंक स्टार्ट करते हैं। सब सेट हो चुका है, बस ये कैमरा मैं वहाँ छुपाती हूँ, और ये देखिए पूरा सेटअप रेडी है। तो आप पहले स्किन की केयर करना चाहोगे कि बालों की? तो जल्दी जल्दी करना है, टाइम मेरे पास कहाँ, बालों का कटो। अरे क्या कर रही है, अरे मेरे साथ कैसी हरकत कर रही है, वो पाला वाले को डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो लगाते हैं यहां पे चेयर में, पीछे सब काटते हैं ऐसे सर, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, इतने पैसों में इतना अच्छा मिलेगा? पैसे दिए नहीं मैंने अभी, काम के बाद दूंगा पैसे, में है ना, पहले इतना ही मिलेगा, काम के बाद मिलना चाहिए पैसे। मुंह बंद आंख बंद, मुंह बंद आंख बंद, दोनों बंद कर दूंगा तो बात कैसे करूंगा, बात करनी नहीं है। और शिकायत अभी तो कुछ भी होना ये नहीं हिलना चाहिए, क्या नहीं हिलना चाहिए, हो जाए जब तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती और मैं नहीं बोलूं, हां तब तक ये हिलना नहीं चाहिए। मुझे बता दो रहना क्या कर रही है, नीचे क्या लगाया अभी, ऐसा मत करो यार, नेक्स्ट टाइम तुम करवाओगी तो मेरे को पता होना चाहिए ना। पहले भी तो कर चुकी हूं ना तेरा स्किन केयर रूटीन, ऐसा ये पहली बार हो रहा है क्या? तो गाओ ना, बस ग्वालियर में आके पहली बार हो रहा है क्योंकि तेरे को ध्यान नहीं रहता खुद का। पार्लर ही डाकती नहीं है ऐसे भैया, वो हेलो वो भैया, ये अलग है, ये अलग है, ये तुम्हारी पुरानी पार्लर वाली नहीं है, ये नहीं है आजकल की मॉडर्न वाली। और तो क्या ऐसा करेगी, कैसे डाटा फूट करेगी, आगे मत रखना जलेगा ना। पी पी उई क्या क्या किया, मुंह में चला गया। हां तो मुंह बंद आंखें बंद यही कह रही थी मैं, स्किन केयर रूटीन है यार, ऐसा तो होता ही है। कितने घंटे बोला बोला तड़ाम लगता है दिल्ली का ना भाई, क्यों तेरे कौन सी एक्सप्रेस पकड़नी है? अरे एक्सप्रेस को नहीं पकड़ लगती है भाई, थोड़ी एक घंटा लगेगा अभी। हाँ यार सर्दी हो जाएगी मेरे को एक घंटे में, तो
कर रही है आज तू क्या लगा दिया ओ भाई साहब फेस मास्क नहीं ये तो नाक का हुआ है तो याद आ गया मेरे को नाक का हुआ है क्या बोलते हैं उसको यार ब्लैक हेड ब्लैक हेड से मूवन वेरी गुड इसको करना क्या था भूल गई तू भी बोलूंगा भाई भाई पार्ले वाले जो कर रही है उसको बोलूंगा भाई मैं तो हां तो इसलिए चुपचाप रहना ठीक है अच्छा से करना पैसे पूरे मिलना चाहिए नहीं तो तूने शैम्पू किया था ना कल मैंने बोला था कल किया था याद नहीं वो ठंडा नहीं लग रहा है हां तो दवाई ठंडी लगती दवाई ठंडी अंदर ना घुस जा मेरे पीछे कर लूं अबे हां पीछे कर ले अबे 10 मिनट रुक जा फ्री में इतना ही मिलेगा कैरी हट जा अरे चलो मैं पैक लगा रही हूं ठीक है कौन सा पैक फेस पैक अच्छा निकला 3060 तो चाहिए क्या नहीं मेरे लगा तू 3060 लगा रही है और पे तो मैं पहले फेस पैक लगाती हूं फिर मैं ले लूंगा ओह तो यार हीरो बन गया गोरा आदमी ऐसे गोरा गोरा मेरे में ऑलरेडी बना है क्या मेरे मतलब एकदम ऐसे अरे डांसर तो सुधरे था तो वो तो मैं तो चकाचक दिखेगा तू आज लोग देखो देख के ऐसे बोलेंगे अरे वाह भाई जोशी जी माल लग रहे हो अरे बोल बोलिए जोशी जी मैं घर नई गाड़ी नया चेहरा बढ़िया है वेरी गुड ऐसी चुप डाउन तू मेहंदी चेहरे पे लगा रही है अबे मेहंदी क्यों चेहरे पे लगाओगी बेवकूफ इससे मेहंदी खुशबू आ रही है मेरे को खुशबू तो आएगी ना क्योंकि मैंने यहाँ अभी निकाल के रखी है इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास पता है कि थोड़ी सी ज्यादा ही है तू पर हां मैं इतनी भी डम नहीं हूं कि मेहंदी लगाऊंगी मीना लाएगी हाथ पर दबा नहीं कर रही हूं अच्छा तक मसाज दे दीजिए अब तू बोल रहा है वाओ आज तो भाई साहब भगवान भी तो रहे हैं धरती पे तुझे मेरे सारे पुण्य लग रहे हैं तेरे पुण्य हाँ मेरे सारे पुण्य तुझे लग रहे हैं और तेरे पाप चले गए हैं कहीं और ठीक है मेरे पाप है ही नहीं अरे पापन तेरे पाप नहीं है साली एच कैसे रहूं गिर जाऊंगा ऐसे तो मैं टेढ़ा मेढ़ा कर रही मेरे साथ में जाओ बेटा जाओ यार तूने तो यार मेरे को नए किया दिला दी ऐसे मसाज करने के बाद वैसी ट्रीट की ठीक है अब एक 5 मिनट में मिलते हैं ठीक है तब तक रिलैक्स अरे मुंह बंद रख रहा पार्टी हो गई है चल तू फेस धो ले और फिर ओह ये रोशनी ठीक है
फेस धो ले या सीधे नहा के ही आ जा, ये निकाल ले फिर उसके बाद एक और पैक लगा। इसको धोने के लिए कुछ अलग से कुछ करना है? नहीं, इसे पानी से धोना है। हां, और इस डॉन डोए के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पानी से धोना है। पानी से धो, हां पानी से धो के आ जा, फिर मैं नहीं पानी से, मैं दो शैंपू से धो ले। शैंपू धो, हां शैंपू से धो, फिर उसके बाद मैं देखो वो लगा दूंगी, क्योंकि ऑयल भी है ना, तो ऑयल निकल जाएगा है ना। ये टॉवल ले जाओ, इससे ही पोंछना, एक ही टॉवल लेना करो। अरे पानी गर्म हो गया। ओबे ओए, अबे क्या किया ये? ओबे क्या कर रहा है? मार रहा हूँ मैं। चेहरे पे तूने मेहंदी लगाई? तू मेरे को बोल रहा था, तू मेरे को मेहंदी लगाई, मेरे को सामने आ गया तू। क्या किया तूने? क्या लगाया? मेकअप लगाया? सी कैरी देख क्या क्या किया है यार? क्या किया पर है यार? अरे यार तेरे तेरे प्रैंक के चक्कर में यार, अरे बाल, अरे चेहरे पे क्या लगाया तू? मेहंदी क्यों लगाई है चेहरे पे? सेक्सी लग, अरे प्रैंक है, कैमरा हटा, कैमरा हटा, प्रैंक है, कैमरा हटा, प्रैंक है, बाद में देखते, कैमरा हटा, प्रैंक है, प्रैंक है, प्रैंक में कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रैंक है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब क्या? ऐसे कौन करता है मेरे बाल? चेहरा तो मेहंदी हो तो पता है, मेहंदी से इतना असर नहीं होता चेहरा। कैमरा बंद कर अभी। हां ठीक है ठीक है, बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, देख रख दिया, बंद कर उसको, बंद कर दिया है यार। क्या है ये? अब मेहंदी बता, चेहरे पे क्या पीला पीला हो जाएगा अभी ना? लाल, और बाल ये परमानेंट कलर है तो क्या यार परमानेंट कलर? तू पागल है क्या यार? ऐसा क्या करता हूँ मैं? अरे छह महीने में निकल जाए। छह महीने ऐसे लगे घूम घूमा मैं, ऐसे लगे घूम घूमा छह महीने यार। क्या करती है यार? एक कैमरा यार, क्या यार क्यों क्या हरकत है यार? कौन परमानेंट कलर कौन करता है? क्या टकला होना पड़ेगा मेरे को इसके लिए यार? टकला क्यों होना पड़ेगा? गंदे बाल लेके घूमूंगा मैं? तू कैमरा रख, 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 बंद कर, कैमरे पे शूट कर रही है, कैमरे पे शूट कर रही है। क्या हरकत है प्रियंका यार, क्या हरकत है यार? अरे यार कोई हरकत नहीं है सर। यार कोई हरकत नहीं है मतलब क्या यार? परमानेंट कलर है ऐसे टेढ़े मेढ़े का तूने पता लगाया है? प्रियंका देख, दिमाग खराब मत कर, गुस्सा मत दिला फालतू का भी मेरे को। तूने वैसी ऐसी हरकतें की है? वैसे तुझे शैम्पू करते हुए देखना चाहती हूँ।
शैम्पू में कर लूंगा ना, तू क्या शैम्पू करते हुए देखा, शैम्पू पता है तो कैसे करता हूँ मैं। अरे तो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा तू शैम्पू कैसे करता है, कोई नंगा दिख रहा तू। तो ये प्रैंक हम यहाँ खत्म करते हैं। अब बाकी के रिएक्शन देखने के लिए आप फंकी गर्ल व्लॉग चैनल पे जाओ, जहाँ पे आपको पता चलेगा मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है और मेरी हालत ऐसी किस वजह से हुई है। तो जाके देखो, वीडियो इज लाइव।